नीता कहाँ जा रही हो? नीता 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 क्या कर रही हो तुम? नीता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या हो क्या रहा है यहाँ? मैं जानता हूँ क्या हो रहा है यहाँ और कौन कर रहा है ये सब। कौन है यहाँ? क्या कह रहे हो तुम केतन? बोलो ना। रितु। रितु? हाँ, मैंने रितु को देखा है। नीता मुझे बचा लो उससे, मुझे रितु से बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो उससे। बस बस खराब, बहुत हो गया, रुक जाओ। नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें और हत्याएं नहीं करने दूंगी। रोक लो, रोक सको तो। बच्चों, अरे मौसी आप फिर से आ गए यार, हमारे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, आप पहले से बहुत परेशान हैं, आप जाओ ना प्लीज। अरे हम तुम्हारी जान को खतरा है बेटा, भागो, अभी स्टेशन आ गया, आप प्लेटफॉर्म पे उतर जाना जल्दी, उठो उठो उठो। क्या बकवास है यार। अरे मौसी आप दूसरे डब्बे में जाओ, वहाँ 10-20 रुपए मिल जाएंगे। तू आ गई है। मयूर मयूर रुक, क्या हुआ तुझे? भाग क्यों रहा है तू? रितु का नाम सुन के क्यों भागा तू? बता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। क्या झूठ है, क्या नहीं हो सकता, क्या बोल क्या रहा है तू मयूर? बोल मयूर, बता मुझे बता क्या हुआ। आप कैसे जानती हो रितु को? जानती नहीं हूँ मैं उसको, लेकिन देख सकती हूँ। अरे वो तो ये भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ, उसमें क्या है, क्या है उसमें? मयूर बता अपने दोस्त को। बता मयूर बता। चल छोड़, जान का खतरा है ना, है ना? तो आपकी जान को खतरा क्यों नहीं है? आप कैसे जिंदा हो बताओ? हाँ, है, ओ, सब भूल जाओ, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। ए, ट्रेन में दोबारा मत चढ़ना। बस बहुत हो गया आपका मजाक, भाई मरा है मेरा, अंतिम संस्कार करना है उसका मुझे, ना जाऊं? मयूर चल, मैं मयूर चल, मैं चल उस ट्रेन में, नहीं मयूर चल, मैं बोल रहा हूँ चल। नीता ये सारे पैसेंजर्स कहाँ गए? सब चले गए। कौन है ये? कौन है ये? कौन है यहाँ पे? कौन है ये? कौन हो तुम? कौन हो? नीता, ये सब क्या कर रही हो तुम? Let's go.
नीता 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 ए नीता 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 मयूर ए मयूर 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 उठ मयूर उठ कौन हो तुम रितु हाँ मैं तुम इतने दिनों तो कहाँ थी रितु नहीं पता या भूल गए ये तो क्या कह रही हो रितु मुझे सच में नहीं पता तुम कहाँ थी याद दिलाओ दुल्हन को भूल गए अमन भैया सॉरी भैया वो मैं अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया तुम्हारे और रोहन के प्यार को नहीं समझ पाया वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मुझे ये पता चला कि तुमने और रोहन ने भाग के शादी करने का प्लान बनाया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने रोहन को मल्हापुर भेज दिया लेकिन अब हम सब साथ मल्हापुर जाएंगे और तुम दोनों की शादी करवाएंगे रियली भैया थैंक यू सो मच मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ थैंक्स अ लॉट अरे ट्रेन जाने वाली है कम ऑन फास्ट अरे कोई सामान ले लो आओ रितु एक मिनट इधर आना देखो रितु अब बहुत हो गया मजाक मैं नहीं चाहता कि रोहन की शादी तुझसे हो मैं रोहन की शादी अपने खानदान के अलावा कहीं नहीं कराऊंगा और तुझ जैसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तुझे सच में नहीं जानता था तुम्हारे साथ ये हुआ रितु मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता अमन भैया ने मुझे ये बोला था कि तुम वहां पे थी नहीं बस तुम्हारा लेटर मिला था और उसमें लिखा था कि तुम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती मुझे सच में नहीं पता था रितु इसीलिए मैंने अमन को मार दिया वो एक खूनी भी था झूठा पर मैंने तो वरुण को भी भेजा था वरुण वरुण गया था तुम्हारे पीछे पर उसने कहा तुम नहीं थी प्लेटफॉर्म में जा चुकी थी मैंने सच में भेजा था उसको वो गया था सच में मगर तुमने कभी भी मुझ तक पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं की चली गई तो जाने दो क्या फर्क पड़ता है और आ जाएगी मुझे गलत समझ रही हो मैं सच बोल रहा हूँ अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नहीं रितु रितु तुम ऐसे नहीं कर सकती रितु नहीं रितु रितु नहीं रितु रितु नहीं तुम्हें भी मरना है तुम्हें मरना है नहीं तुमने हम सबको मरवाया है नहीं यार हाँ।
हम सब तुम्हारी वजह से मरे हैं, अब तुम भी मरोगे। अब तुम भी मरोगे। तुम्हारी वजह से मारे गए, अब तुम भी मरोगे। हाय, तुम अब तू भी मरेगा। मुझे सच में नहीं पता था तुम मर गए। मुझे माफ कर देना। मरी नहीं थी, मारा गया था मुझे, और इसने मारा था मुझे, इसने। हाँ, मारा था। आज तेरी रोहन की बारी है, इसे भी आज मैं मार दूंगा। छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगा।